Hello students, as you all know the syllabus is changed a little bit. So according to the new syllabus we have studied in the previous lecture, we have studied conservation of energy, which is now it is not in the new syllabus, so we will leave that. And connecting to that, there was transformation of energy, so we will leave that also. And we will start our last topic of the chapter, that is power. ठीक है, तो बच्चों आपने जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, हर चैप्टर से लास्ट के दो तीन टॉपिक्स छोड़ दिए गए हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ना है. और न्यू सिलेबस हम आपको भेज देंगे पीडीएफ. और लास्ट चैप्टर में हमने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा था, तो ऊर्जा का संरक्षण अब नहीं है नया सिलेबस में. तो हम अब जो बचा हुआ टॉपिक है सामर्थ्य, वो उसको आज करेंगे. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है पावर और सामर्थ्य. सामर्थ्य क्या होता है? किसी भी, जैसा कि आपको पता है कि सामर्थ्य का मतलब होता है कि ये व्यक्ति कितना समर्थ है काम करने में, यानी कि उसके काम करने की जो क्षमता होती है वो उसके उसका सामर्थ्य कहलाती है. तो डेफिनेशन हो जाती है, किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को उसकी उसके सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं. या ये भी कह सकते हैं कि एकांक समय में किया गया कार्य सामर्थ्य अथवा शक्ति के बराबर होता है. एकांक समय मतलब 1 सेकेंड या 1 आवर यूनिट टाइम में काम किया गया समय जो कार्य हो रहा है वो उसका सामर्थ्य कहलाता है. तो सामर्थ्य इज इक्वल्स टू कार्य अपॉन समय होता है. तो सामर्थ्य का यूनिट हो जाएगा, कार्य का यूनिट है जूल और समय का है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड. इसको हम वॉट भी कहते हैं. आपने देखा होगा कि बल्ब वगैरह पे लिखा रहता है 60 वॉट का बल्ब है या 70 वॉट का बल्ब है, यानी कि उसका सामर्थ्य उतना इलेक्ट्रिसिटी, उतना लाइट देने की क्षमता उसके अंदर होती है, इसलिए उसको वॉट कहते हैं. वर्क डन बाय एन एजेंट और मशीन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स पावर. और द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called its power. Power is equals to work upon time, and you all know that this is the relation between power and force. Power and velocity. So power is equals to work upon time, and you all know that work is equals to force into displacement. So work is equals to force into displacement upon time, and you know. स्पीड इज इक्वल्स टू या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड. तो पावर इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है. ठीक है, द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट. Now here in some questions it is given in kilowatt or megawatt या horse power. So how to convert it into watt during the numericals? तो 1 kilowatt is equals to 10^3, यानी कि 1000 watt के बराबर होता है. 1 megawatt is equals to 10^6 watt के बराबर होता है. And 1 horse power is equals to 746 watt. ठीक है, सामर्थ्य तथा वेग में संबंध. सामर्थ्य इज इक्वल्स टू कार्य अपॉन समय होता है. और कार्य आपको पता है, आप स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं, बल इंटू विस्थापन. तो सामर्थ्य इज इक्वल्स टू हो गया, कार्य की जगह पे हो गया बल इंटू विस्थापन अपॉन समय. तो विस्थापन अपॉन समय वेग होता है. तो हमारा फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, या पावर इज इक्वल्स टू बल इंटू वेग. सामर्थ्य इज इक्वल्स टू बल इंटू वेग. ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं,
न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, क्वेश्चंस आप करेंगे, और जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है उसको आप पूछ लेंगे, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. सो यू विल डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स एंड एज वेल एज द क्वेश्चन एंड आंसर्स. लॉन्ग आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स विच यू थिंक दैट इज little bit difficult or different type of numericals, you will solve it in your fair copy, and rest of the thing you will do it in your rough copy, and question and answers you will do it by your own with the help of the video as well as from the book. क्योंकि अब आप लोग क्लास नाइन्थ में आ गए हैं, आप लोग को खुद से लिखना आना चाहिए. कोई बात नहीं है, सबका आंसर अगर अलग होता है तो कोई बात नहीं, अपने समझ से अपनी भाषा में आप उसको आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है? और कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता है तो वो आप हमें सेंड कर दीजिएगा, फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्न में हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें, ठीक है? और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस आपको भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ लिया है कोई बात नहीं है, उसमें से आप वो पॉइंट्स कट कर देंगे. कॉपी में है अगर कर लिया है तो रहने दीजिए, अगर नहीं किया है तो मत करिएगा. जो टॉपिक्स नहीं है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? और जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और कर लिया है, लिख लिया है कॉपी में, फेयर कॉपी में, कोई बात नहीं है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा. अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ही आपके एग्जाम में आएगा, जब भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जब भी एग्जाम होना होगा तो वो टॉपिक्स आपके उसमें नहीं रहेगा, ठीक है?